हम में से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में जिंदा वही रहते हैं जो आसानियां बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां मर्द एक गुस्ल करके पाक हो जाता है, जबकि औरत अपनी पाकी साबित करने के लिए पूरी जिंदगी लुटा देती है। ऐ इब्ने आदम, मैं वही औरत हूं कि जिसने जना है पैगंबरों को, वलियों को, अकल वाले, इलम वाले मर्दों को। तुमने तो बस एक बात पकड़ रखी है और उस पे हंसना तुम्हारा शुगल है कि बिनते हवा बहुत नाकुसल अकल है। सुनो, मेरे मुकाम को भी देखो, मेरी अकल को ना देखो। मैं एक जिस्म ही नहीं, रूह भी हूं। मेरी रूह में भी जान को सिर्फ शक्ल ना देखो। औरत के हजारों रूप हैं, लेकिन मोहब्बत वो हमेशा दिल से करती है। और मर्द कितना बेवकूफ है कि दिल को छोड़कर जिस्म के पीछे भागता है। कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। गुनाह का असल मरकज औरत का जिस्म नहीं, मर्द का दिमाग है। उस वक्त इंसान के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है जब इंसान उस शख्स के हाथों बार बार नजरअंदाज होता चला जाए जिससे हमने तवज्जो की उम्मीद लगाई होती है। हम लोग समझते हैं कि सामने आए शख्स को देखकर मुंह फेर लेना ही नजरअंदाज करना होता है, जबकि किसी की बात को सुनकर जवाब न देना भी नजरअंदाज करना की एक किस्म होती है। और जानते हैं, नजरअंदाज करना नफरत की सबसे सख्त किस्म होती है, जिसमें सामने वाला उस दर्जे तक नफरत करने लगता है मगर वो खुद भी नहीं जानता होता कि ये नफरत ही है जो उसे मजबूर कर रही है कि सामने वाले शख्स की बात की अहमियत खत्म कर दी जाए और उसकी बातों को उसको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया जाए। असल औरत मर्द की मोहब्बत का मायार उसकी गैरत को बनाती है, दौलत को नहीं। वो उसमें अपना मुहाफिज ढूंढती है, जबकि असल मर्द औरत की मोहब्बत को उसकी हया और सीरत की कसौटी पर परखता है। सिर्फ खूबसूरती उसके लिए काफी नहीं होती, वो उस औरत में अपनी आने वाली औलाद और अपनी बेटियों का अक्स देखता है। और ऐसी औरत को पाने की खातर वो अपनी अना, अपनी दौलत सब दांव पर लगाने पर तैयार हो जाता है। मगर ऐसे लोग इतनी आसानी से नहीं मिलते, उनको खोजना पड़ता है, खुद को उनके काबिल बनाना पड़ता है। जितने भी घर उजड़ते देखे हैं उनमें ज्यादातर कसूर शोहर का ही होता है, जो बीवी को लाते तो बड़े प्यार से हैं पर शादी होने के बाद बीवी को नौकरानी बना देते हैं। तुझे मेरी माँ की खिदमत करनी है, मेरी बहनों की बात माननी है, मेरे भाई की खिदमत करनी है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वगैरह वगैरह। बेचारी लड़की को कैदी बना के रख देते हैं, और अगर गलती से किसी दिन किसी काम में कमी रह गई या कोई फरमाइश कर दी तो गाली गलौच होती है, और उसके खानदान वालों की जो हालत जार होती है वो अलग। कोई भी घर ना टूटे अगर शोहर बीवी का एहसास करे, उसे इज्जत दे, तो बीवी उसको अपने सर का ताज बनाएगी और उसके खानदान वालों को
अपने सर आंखों पर बिठाएगी।